नारायण साथी है, उनमें नया जोश पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने बहुत हमें साथ दिया है और हमने पूरी साल भर में 100 करोड़ की सेवा का लक्ष्य रखा है। उसमें से 27-28 करोड़ की सेवाएँ ऑलरेडी हो चुकी है। 65 करोड़ के नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। 10 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है। हमारा जो टारगेट है 100 करोड़ की सेवा का, वो पूरा होने वाला है। और मेरे साथ ही वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर दीपक चौधरी और वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर अजीत जैन, इन दोनों के सपोर्ट से हम ये कार्य अर्जित करने में सफल। दीपक जी, जानना चाहूँगा ये गेम चेंजर जो यूज़ किया, क्या गेम चेंजर किस तरह से देखते हैं, कंडीशंस को देखते हैं या जो इंडिविजुअल्स है वो गेम चेंजर्स हैं? गेम चेंजर ऐसा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सीए सुनील पटोड़िया जी हैं, उन्होंने एक मकसद लिया था बिगनिंग ऑफ द ईयर से, ये जितने भी हमारा रूरल एरिया है पालघर से लेके पूरा पालघर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जहाँ अच्छे काम हो सकते हैं वो हम अच्छे काम करेंगे। जो मेंबरशिप ग्रोथ है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के दुनिया में सबसे पहले नंबर एक पे है, जितने भी मेंबर्स है। अगर आपने देखा होगा जो अभी ये क्लब बना है हमारा 1500 का, वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। और ये सब गेम चेंजिंग ट्रेंड्स है। हमारे गवर्नर ने और एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया है, जो आदिवासी बच्चे हैं ढाणू जो पालघर एरिया में, उनके लिए 5000 बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया है। ये सब गेम चेंजिंग ट्रेंड है, इसलिए हम गेम चेंजिंग इसको कहते हैं कि ये जो सेवाएँ हैं। मुझे बहुत आज खुशी है कि इतने टमाने पे प्रेस मीडिया इसको एड्रेस कर रही है, मगर हमको कभी कभी दुख होता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो वर्तमान पत्र में आती नहीं है। मगर लायंस ने अभी 23 करोड़ का, अभी तक 35 करोड़ का जो काम किया पूरा पालघर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जैसे अम्बिस्ता में है, गोरा में है, जो रूरल एरिया है हम वहाँ जाते हैं। और हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का एक लक्ष्य है कि जितने भी सिटी के क्लब हैं वो वहाँ जाके खुद उधर प्रोजेक्ट करें, जैसे स्कूल है, मेडिकल सेंटर्स है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 14 ऐसे मेडिकल सेंटर मुंबई में हैं, जहां हम बहुत ही कंसिडरेबल रेट में उनको मेडिकल फैसिलिटी देती है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी इनिशिएटिव है उसमें सपोर्टिव कौन कौन से कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, उसके बारे में बताइए। सर, ऐसा है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नॉर्मली काफ़ी सारे कॉर्पोरेट, जैसे चॉइस लिमिटेड है, देन एस के पटोडिया फॉर्म्स हैं, एंड ऐसे काफ़ी सारे और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जिनकी तरफ से हमको CSR का कंट्रीब्यूशन मिलता है। एंड उस कंट्रीब्यूशन की मदद से और प्लस हमारे लायंस साथियों की मदद से, अदर NGOs की मदद से एंड बाकी फिलेंथ्रोपिस्ट की मदद से जो है हम फंड जमा करते हैं, और जिससे जो है हम सिटी में और सैटेलाइट एरिया में, जैसा कि हमारे गवर्नर सर ने बताया कि पालघर और काफ़ी सारे रिमोट एरियाज़ में छोटे छोटे पाड़ा और छोटे छोटे विलेजेस को अडॉप्ट करते हैं एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। और अभी जैसा कि हमारे गवर्नर सर ने बताया कि हमने बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में लिया हुआ है, 5000 ट्राइबल बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल का प्लान किया है, राइट फ्रॉम द जूनियर टू डिग्री कॉलेज तक का वो है, एंड जो कि हम अभी मई महीने में उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। एंड इस तरह से सारे के सारे कॉर्पोरेट्स, NGOs और बाकी की संस्थाओं से जुड़ करके फंड्स जमा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं। सुभाष जी बलवाल हमारे चेयरमैन ने पूरे तीनों डिस्ट्रिक्ट किए। सर, ये पूछना चाहूँगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में सोशल इनिशिएटिव काफ़ी बड़ा रूप में होता है, यहाँ पे 3-4% ही फंड्स होते हैं कंपेयर किया जाए, तो क्या करना चाहिए, कितना चैलेंज है अभी भी सोशल इनिशिएटिव को? बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट कम्प्लीमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील पटोड़िया जी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर इन द वर्ल्ड। ही हैज क्रिएटेड records and he has broken the records in the world in lineism. We are more than 14,46,000 lines in the world, representing 210 countries. He is the only governor who has had lot of activities which no club in the world has done it. He has formed a club which is equal to one district. He is going to construct a building for medical for schools in Adivasi area, which none of the club, including the district, has done in the world. So he must be complimented, heads off to him. Look at membership, look at activities, look the way he worked throughout the year for the society, for the social cause. I have praises and praises for him and nothing else. Thank you very much. And what is the challenge you face regarding transparency? Because इतना funds आते हैं तो transparency भी जरूरी होता है। नहीं नहीं, transparency में हमें कोई face नहीं है, because we our working is fully transparent। जो साथी हैं जो हमारी जीवन की मुख्य धारा में नहीं है, इसका charity से कोई fund use नहीं होता है, ये हमारे साथियों का collection जो fees के रूप। Thank you very much।